मध्य प्रदेश के कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। में विद्यार्थी करीब 15,000 विद्यार्थियों ने अपने सब्जेक्ट्स भी बदल दिए हैं। इस वक्त की खास अहम जानकारी आपको बता दें कि एडमिशन प्रक्रिया पूरी कॉलेजों में एडमिशन प्रोसेस पूरी हो चुकी है और फैकल्टी की कमी बताई जा रही है। फैकल्टी की कमी होने की वजह से, उनके इस डाउट की वजह से कि फैकल्टी नहीं है कॉलेजों में, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने अपने सब्जेक्ट बदल दिए हैं। करीब 15,000 स्टूडेंट्स ने कॉलेज में पहले कोई सब्जेक्ट लिया, बाद में फैकल्टी ना होने के चलते उन्होंने अपना सब्जेक्ट बदल दिया। बता दें करीब 15,000 विद्यार्थियों ने अपने सब्जेक्ट चेंज कर लिए हैं। फैकल्टी नहीं होने के संशय में या फैकल्टी कम होने के संशय में स्टूडेंट्स ने अपने सब्जेक्ट बदल दिए हैं। कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस पूरी हो चुकी है। चलिए, और अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनयन चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, उनसे और अधिक अपडेट लेंगे। सर, जिस तरह से ये जो कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस होती है वो अब जाके पूरी हो चुकी है, पर ये समय इस चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि फैकल्टी कम होने की वजह से जो विद्यार्थी हैं, जिनको जो सब्जेक्ट पढ़ना था उसको छोड़कर उन्होंने करीबन 15,000 स्टूडेंट्स ने अपना सब्जेक्ट ही चेंज कर लिया है, कि उनको ये लग रहा है कि कॉलेज में फैकल्टी नहीं है, पढ़ाएगा कौन? जी सर। देखा, बिल्कुल ठीक कहा है। यहाँ प्रश्न अचानक ये पैदा नहीं हुआ है। अगर इसको थोड़ा सा पीछे देखें तो जब से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है विद्यालय महाविद्यालय के स्तर पर, तो व्यापारियों ने जब ये महाविद्यालय खोले, पहले लोग समाज सेवा के लिए विद्यालय खोलते थे, उसके अंदर शिक्षक होते थे, लेक्चरर होते थे, ये सब चीजों पर बड़ा ध्यान दिया जाता था। आज लगभग इस तरह के जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय, उनके अंदर फैकल्टी की कमी है। इसके दो कारण हैं। पहली तो योग्य फैकल्टी, जो योग्य शिक्षक आते हैं वो उचित पारिश्रमिक चाहते हैं, वो उनको नहीं मिल पाता तो वो आने से बचते हैं। दूसरा, जिनके कॉलेज हैं वो भी इस तरह का जो है पैसा देने से बचते हैं, वो विद्यार्थियों से तो मनमानी फीस वसूलते हैं लेकिन फैकल्टी को पैसा देने में कंजूसी करते हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि आप अगर अंदाज लगाइए कि इस तरह के महाविद्यालय जो दबी जबान से अपनी पब्लिसिटी करते हैं, वो कहते हैं आपको बीबीए की डिग्री चाहिए या इस तरह की किसी जो डिग्री चाहिए तो हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए, तो वहां पढ़ाई की स्थिति बड़ी खराब है। इसमें विद्यार्थी संशय में आ जाते हैं, वो जो है विषय बदलते हैं, विज्ञान बदल पढ़ने की इच्छा रखने वाला आर्ट साइड लेता है, कॉमर्स की तरफ भागता है, लेकिन कॉलेज साइंस का होता है तो वहां कॉमर्स और आर्ट साइड उसको नहीं मिल पाती। ये बड़ी अजीब हुआ है। सरकार सब कुछ ठीक करना चाहती है लेकिन इसमें जो शिक्षा माफिया घुसाया है उसने इस पूरे हालात को बदल कर रख दिया है। सरकार जिस तरह सब कुछ ठीक करना चाहती है उसे थोड़ी नजर से ठीक करनी चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। वरना पिछले दिनों अभी यूजीसी ने प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर बदले थे और कहा था कि सर्च कमेटी के द्वारा, ये सब क्या था? क्योंकि कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उन मानकों का ध्यान नहीं रखा गया था, यूनिवर्सिटी बनाने वालों ने अपने मन मुताबिक वाइस चांसलर जैसे कुलगुरु जैसी कुर्सी पर ऐसे लोग बैठाए थे जो कि उस पात्रता को पूरा नहीं करते हैं। तो साइंस का यही दिक्कत बनी हुई है।
और ये विद्यार्थियों के लिए बड़ी समस्या है। निश्चित रूप से सर, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि अब जाके कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस पूरी हो चुकी है, पर सवाल ये उठ रहा है कि स्टूडेंट्स अपना सब्जेक्ट क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये फैकल्टी कम होने की संशय में ये स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने एडमिशन अभी नया नया लिया है, उनके सब्जेक्ट्स कुछ और थे पर ले कुछ और लिया उन्होंने, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। इस वक्त की खास और अहम जानकारी।